नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम आपके लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम आपको क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन का नाम, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है हमारा फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, देन वेरियस स्पोर्ट्स कमिटी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिक्सर्स कैसे बनाते हैं। टूर्नामेंट आप लोग को पढ़ाया था ना, जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, तो उसका फिक्सर्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट। तो देखो बेटा, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसमें पांच स्टेप्स होते हैं, फाइव स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम बात करें प्लानिंग का। सबको पता है, इट इज एन एक्शन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर एंड हाउ टू डू इट। जैसे मान लो कि हमको मूवी देखने जाना है, तो हम कैसे प्लान करते हैं बेटा? पहले डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन जाना है, संडे को जाना है, फिर उसका टिकट अरेंज करते हैं, फिर दोस्तों से पूछते हैं कि कौन कौन चल रहा है, फिर हम साथ में मिलकर मूवी देखने जाते हैं। तो प्लान करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम आ रहा है बोर्ड का, तो आप प्लान करोगे, सबसे पहले सैंपल पेपर देखोगे, सैंपल पेपर देखने के बाद आप देखोगे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्री मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फाइव मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस अनुसार आप प्लान से प्लानिंग करके अपना प्रिपरेशन करोगे। तो प्लानिंग आपको समझ में आ गया। देन ऑर्गेनाइजिंग क्या है बेटा? तो इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? सिंपल से मान लो कि अगर हम इंटर स्कूल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग में क्या, सबको ड्यूटीज देंगे। जैसे मान लो कि पब्लिसिटी कमेटी होगी, वो पब्लिश करेगा कि हाँ इंटर स्कूल टूर्नामेंट यहाँ पे होना है, तो वो सबको बताएंगे कि हाँ हमारे स्कूल में इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो रहा है, वो पेपर के द्वारा, न्यूज पेपर के द्वारा, या फिर वो इन्विटेशन सेंड करेंगे सबको। ग्रुपिंग टास्क, और देखो ड्यूटी असाइन होगा। देखो एक आदमी सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर लेगा, इसके लिए क्या होगा कि ड्यूटीज बनाया जाएगा कि चलो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट के लिए हम शुभम को लगा देते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के लिए हम दिव्यांश को लगा दिए। तो ऐसे करके सारे बच्चों से हम क्या करेंगे, ड्यूटी असाइन करवा लेंगे। स्टाफिंग, अब देखो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम। जैसे मान लो स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा जैसे मान लो कि कोई हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसमें अगर मान लो कि कबड्डी का गेम चल रहा हो, तो एम्पायर भी कबड्डी का होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए जिसको कबड्डी के बारे में पूरा नॉलेज हो। अगर वो फुटबॉल का एम्पायर कबड्डी के मैच में आ गया, तो वो एम्पायरिंग अच्छे से करा नहीं पाएगा। तो स्टाफिंग इज वेरी नेसेसरी। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग। वो देखता है कैसा काम चल रहा है, मोटिवेटिंग, अगर लगता है कि मोटिवेट करने की जरूरत है। जैसे मान लो कि हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम है, वो क्या करती है, वो डायरेक्टिंग करती है, वो पूरे क्लास में जाकर चेक करती है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे से कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर कोई टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनको डांट भी लगाते हैं। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, तो उनको समझाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि आप अपने स्कूल में कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो, टूर्नामेंट में क्या होगा कि अगर कुछ बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, तो क्या करेंगे, डिसिप्लिन कमेटी वाले उसको कंट्रोल करेंगे। या फिर जैसे कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आपको, जैसे अभी आप मैच देखने जाते हो, आईपीएल मैच देखने जाते हो, एसएमएस स्टेडियम में अगर आप मैच देखने गए होंगे, तो वहां ब्लैक रंग के शर्ट में बाउंसर्स खड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर ज्यादा क्राउड हो गया, तो उसको मैनेज करते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड। तो आपको फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। इसमें फाइव, मेनली फाइव स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इसको हम एमसीक्यू के द्वारा भी और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये पहला टॉपिक है, कंप्लीट हो गया है। सेकेंड टॉपिक है अपना वेरियस स्पोर्ट्स कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंट कमिटी आर रिक्वायर्ड सच एज, जैसे देखो वेरियस स्पोर्ट्स कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है कि जैसे सपोज मानो कि हम अपने स्कूल में एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, सिंपल सा एक इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट करवा रहे हैं या ऑल गेम का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी।
तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या डिसाइड करता है कि यहाँ डेट कौन से डेट को टूर्नामेंट करवाना है, सारे स्कूल को पार्टिसिपेट, राजस्थान के ही स्कूल को इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट करवाना है या फिर सिर्फ जयपुर जयपुर के स्कूल को पार्टिसिपेट करवाना है, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये सब डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, पब्लिसिटी कमेटी का काम आता है। तो पब्लिसिटी कमेटी क्या करते हैं, ये जो पब्लिसिटी कमेटी है वो क्या करते हैं, जो डेट्स हैं जो हमारे जो टूर्नामेंट होने वाला है स्कूल में उसको पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। आप देखोगे पोस्टर्स लगा के करते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, या फिर हम ईमेल सेंड करते हैं जितने भी स्कूल्स हैं उनको बताते हैं कि हमारे स्कूल में इस डेट को टूर्नामेंट हो रहा है तो आप आके पार्टिसिपेट करें। देन उसके बाद फाइनेंस कमेटी होता है, वो बजट तैयार करता है कि आपको कितने खर्चे आएंगे, मेंटेन द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मानो कि अगर आप अपने स्कूल में टूर्नामेंट करवाते हो तो अदर स्कूल के जो बच्चे हमारे पास खेलने आते हैं वो एंट्री फीस भी देते हैं, तो इनके पास पैसा, जो भी पैसों का हिसाब होता है वो कौन देखते हैं, फाइनेंस कमेटी देखते हैं। देन रिसेप्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकम द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है बेटा, वो वेलकम करते हैं जो चीफ गेस्ट आते हैं, उनको होता है ना कि आप देखे होंगे कि बुके देते हैं, उनको वेलकम करते हैं, तो वो काम होता है रिसेप्शन कमेटी का। देन आपने आ जाता है ट्रांसपोर्ट कमेटी। जैसे मान लो कि हम कोई बड़ा लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जैसे सपोज मानो कि हम नेशनल लेवल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट कमेटी रखते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये टूर्नामेंट हो रहा है हमारा सेंट विल्फ्रेड स्कूल में, तो सेंट विल्फ्रेड स्कूल के जो ट्रांसपोर्ट कमेटी वाले होंगे वो जयपुर रेलवे स्टेशन जाके बैठेंगे, बोर्ड लगा लेंगे सेंट विल्फ्रेड, और उसको वेलकम करेंगे। जो भी प्लेयर्स बाहर से पार्टिसिपेट करने आएंगे तो उनको वेलकम करेंगे और फिर उनको बस में बैठा के अपने स्कूल तक लेके आएंगे, वेन्यू तक लेके आएंगे। देन है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या करता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेवरल अनाउंसमेंट। वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारा अनाउंसमेंट, जैसे कोई भी अनाउंसमेंट होता है, मैच खेलते हैं कोई भी मैच चल रहा है तो उसका अनाउंसमेंट करने के लिए, सपोज किसी को बुलाना होता है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो अनाउंस करके सबको इन्फॉर्म करते हैं वो। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, इनका भी बहुत रोल है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हम जो जो मैच हो रहा है, जैसे कबड्डी का मैच हो रहा है, वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी वाले सबसे पहले इक्विपमेंट को अरेंज करेंगे, उसके बाद क्या ग्राउंड को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उसको रेडी करवाएंगे, अगर कोई भी इक्विपमेंट चाहिए तो वो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। देन है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि अगर हम टेक्निकल कमेटी के बारे में समझ लीजिए, मान लो बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा हो तो उसमें टेक्निकल कमेटी में क्या हो जाएगा, तो एक तो रेफरी होते हैं जो कि पूरा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उसके बाद एम्पायर्स होते हैं, लाइन्समैन होते हैं, तो ये सारे टेक्निकल कमेटी के अंदर होते हैं, ये सबको मैनेज करते हैं। जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, तो इसको मैनेज कौन करता है, टेक्निकल कमेटी करता है। देन सिक्योरिटी कमेटी। सिक्योरिटी कमेटी में क्या होता है, बाउंसर्स लगे होते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना एसएमएस स्टेडियम में जैसे टूर्नामेंट होता है, तो अभी क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है तो क्या होता है, बाउंसर आते हैं ब्लैक रंग के ड्रेस में, वो उनको डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं। फर्स्ट एड कमेटी, अगर जैसे मान लो ड्यूरिंग द प्लेइंग अगर कोई खेल रहा होता है, अगर किसी को कोई इंजरी हो जाए तो फर्स्ट एड कमेटी आते हैं, उनको आइस चेक करते हैं। आप देखे होंगे कोई भी टूर्नामेंट में अगर कोई खेलते हुए इंजर्ड हो जाता है तो फर्स्ट एड कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो ऐसे करके हम आपके दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। अब थर्ड टॉपिक में हम लोग फिक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हम नॉकआउट का फिक्सर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, लीग टूर्नामेंट का फिक्सर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गोल ओरिएंटेशन, मेकिंग स्ट्रेटेजीज, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑल ऑफ डीज। तो आपको पता है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ अबव सब हो जाएगा। अब देखो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन, परचेज जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदेंगे कोई भी टूर्नामेंट से पहले, तो पहले खरीदते हैं हम इसको, तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग इवेंट बहुत एबीएनसी प्री इवेंट, तो इसका हो जाएगा प्री इवेंट। अब ये देख लेते हैं कमिटी है एंड फंक्शन है, तो हमको क्या करना है कि जिस जो भी कमिटी है उसका क्या फंक्शन है उसको हम रिलेट करेंगे। जैसे स्टाफिंग का हो जाएगा आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजिशंस, डायरेक्टिंग लेटिंग स्टाफ नो वॉट नीड टू बी डन, कंट्रोलिंग ऑल द प्रोसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू बी मॉनिटर सक्सेस, एंड प्लानिंग का आपको पता है ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू रीच अ पर्टिकुलर गोल। तो इस तरह से आपका आंसर ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए टेक्निकल कमेटी का क्या काम होता है, टू अपॉइंट द एम्पायर को अपॉइंट करना, लाइन्समैन को अपॉइंट करना। मार्केटिंग कमेटी का काम होता है टू जनरेट स्पॉन्सरशिप जनरेट करना, किसका काम होता है, तो मार्केटिंग कमेटी का काम होता है। लॉजिस्टिक कमेटी टू कंडक्ट सेरेमनीज,
समझ लो, ओपनिंग सेरेमनीज होता है, फिर क्लोजिंग सेरेमनीज होता है, जो टूर्नामेंट हम करवाते हैं, तो किसका काम होता है? लॉजिस्टिक कमेटी का, फाइनेंस कमेटी का, आपको पता है, टू मेक पेमेंट्स। तो इस तरह से हम अभी 2 लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।